ऑप्शन नंबर 23 देखते हैं। कह रहा है माना कि ए बराबर एन क्रॉस एन है तथा ए में ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर है, ऑपरेशन कर रहा है सी कॉमा डी के साथ, तो यह हो जा रहा है ए सी कॉमा बी डी। देखो ए सी देख रहे हैं, ए और सी पहले दोनों दोनों फर्स्ट कंपोनेंट जुड़ रहे हैं और फिर सेकंड कंपोनेंट जुड़ रहे हैं, यही ना हो रहा है, और कॉमा में है। जरा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है तो सिद्ध सिद्ध करें कि स्टार क्रम विनिमय और साचर है और ए में तस्मक अवयव यदि कोई है तो ज्ञात करें। तस्मक अवयव भी निकालना है आपको, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव भी चेक करना है। चलो फॉर कम्यूटेटिव, फॉर कम्यूटेटिव चलो कम्यूटेटिव के लिए देखते हैं। कम्यूटेटिव के लिए ए ऑपरेशन बी जो होगा ना, आपके बी ऑपरेशन ए के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ तो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है तो इसी तरह से यहाँ भी एलिमेंट को लेंगे, तो यहाँ भी उसी तरह से हम लोग दिखाएंगे कि ए कॉमा बी ऑपरेशन करेगा सी कॉमा डी से तो वह बराबर होना चाहिए सी कॉमा डी का ऑपरेशन जब होगा ए कॉमा बी से उसके, ऐसे लिख सकते हैं ना। फॉर ऑल यह ए बी और सी डी जो ऑर्डर पेयर है यह बिलोंग करना चाहिए ए से, सेट ए से, ठीक है, यानी कि एन क्रॉस एन से बिलोंग करना चाहिए। चलो तो आप एल एच एस लो, एल एच एस में क्या है तो यहाँ है ए कॉमा बी ऑपरेशन करेगा सी कॉमा डी से, तो कैसे लिखेंगे इसको, ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी, ये ना होगा जी। चलो अब इसके बाद आर एच एस लो, आर एच एस में है सी कॉमा डी ऑपरेशन ए कॉमा बी, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना C प्लस ए कॉमा डी प्लस बी, है ना। अब चूंकि आपको पता है कि A प्लस सी लिखो या C प्लस ए लिखो एक ही बात है, इसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि A प्लस सी जो होगा C प्लस ए के बराबर होगा और B प्लस डी जो होगा वह D प्लस बी के बराबर होगा, तो इसलिए ये चेंज हो गया, तो ये दोनों सेम आ गया, यानी हमने देख लिया कि ए कॉमा बी जो ऑर्डर पे है इसका ऑपरेशन सी कॉमा डी के साथ कर रहे हैं तो वह बराबर हो जाएगा सी कॉमा डी ऑपरेशन ए कॉमा बी के। फॉर ऑल, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग्स टू ए, देयरफोर देयरफोर ऑपरेशन ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव हो जाएगा। अब चलो यार एसोसिएटिव के लिए चेक कर लेते हैं, फॉर एसोसिएटिव, फॉर एसोसिएटिव तो एसोसिएटिव के लिए किस तरह से होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए ए कॉमा बी ऑपरेशन ऑपरेशन सी कॉमा डी ऑपरेशन ई कॉमा एफ, इस तरह से बराबर होना चाहिए किसके, ए कॉमा बी ऑपरेशन सी कॉमा डी और फिर ऑपरेशन ई कॉमा एफ के, ऐसे ही ना होना चाहिए जी। चलिए एसोसिएटिव के लिए तो लिख सकते हैं, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं फॉर ऑल ए कॉमा बी सी कॉमा डी ई कॉमा एफ बिलोंग्स टू सेट ए। चलो एल एच एस लो, एल एच एस ए कॉमा बी ऑपरेशन C कॉमा डी ऑपरेशन E कॉमा एफ, तो किस तरह से होगा A कॉमा बी ऑपरेशन, देखो C कॉमा डी और E कॉमा एफ ये दोनों ऑपरेशन करेंगे तो किस तरह से आ जाएगा, तो आ जाएगा C प्लस E, ठीक है, पहला पहले के साथ जुड़ गया और दूसरा दूसरे के साथ D कॉमा एफ, ऐसे ही ना। अब इनका ऑपरेशन कैसे होगा, तो ये हो जाएगा A प्लस C प्लस E और फिर कॉमा देके B प्लस डी प्लस एफ, इस तरह ना। अब आर एच एस लो, आर एच एस लो तो आर एच एस में है यार A कॉमा B ऑपरेशन C कॉमा D ऑपरेशन E कॉमा F, क्लियर है। तो यहाँ पे किस तरह से डिफाइन होगा, तो इसका ऑपरेशन कैसे होगा, तो A प्लस C और B प्लस D फिर ऑपरेशन है E कॉमा F, इसका कैसे हो जाएगा A प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ, तो देख रहे दोनों इक्वल हो गया ना। तो हमने देख लिया यहां से कि A कॉमा बी ऑपरेशन C कॉमा डी ऑपरेशन E कॉमा एफ बराबर हो जा रहा है किसके,
तो आरएचएस में जो था ए कॉमा बी ऑपरेशन सी कॉमा डी ऑपरेशन ई कॉमा एफ के, देयरफोर ऑपरेशन ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव। चलो अब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकालना है अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो। चलो तो अगला सेकेंड पार्ट इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकालना है। तो हम लोग मान लेते कि माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए का तत्समक अवयव एक्स कॉमा वाई है, ठीक है, एक्स कॉमा वाई है, क्या एक्स कॉमा वाई है। जब तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट एक्स कॉमा वाई है तो आपको पता है कि अगर इसके साथ इसका ऑपरेशन कर दिया जाए तो आपका क्या आएगा, तो आपका फिर से वही एलिमेंट आ जाएगा, ये ना होता है। चलो इसका ऑपरेशन कैसे डिफाइन करोगे, तो हो जाएगा ए प्लस एक्स और फिर बी प्लस वाई कॉमा में और बराबर में ए कॉमा बी। ये ऑर्डर पेयर इक्वल है तो पहला वाला पहला कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा और दूसरा वाला दूसरे कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा, यानी कि यहां से एक्स बराबर आएगा जीरो और वाई बराबर भी जीरो, तो यहां से आपका आइडेंटिटी एलिमेंट निकल गया। तत्समक अवयव जो हुआ जीरो कॉमा जीरो हो गया। अगर जीरो कॉमा जीरो के साथ किसी ऑर्डर पेयर एक और बी का ऑपरेशन किया जाए तो फिर से वही आ जाएगा, ये तो आपको पता है ना। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 में ना यहाँ पे देखिए कुछ बाइनरी ऑपरेशन दिए गए हैं, आपको चेक करना है कि क्रम विनिमय और साहचर्य के बारे में, तो आप आसानी से बना सकते हो। ये तो हम लोग शुरू में ये सारे क्वेश्चन देख चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे तो आपसे बन ही जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे नए चैनल का भी लिंक नीचे दिया गया उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना है, लाइक करना, कमेंट करना, ताकि हमको पता चल सके कि हम लोग वीडियो किस तरह से बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इससे रिलेटेड जो भी आपको वीडियो देखना होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वीडियो के लिंक्स दिए हुए हैं।